मैं डॉक्टर राशिद चौधरी, जिला कांग्रेस कमेटी, जिला कोषाध्यक्ष। जो आज हमने प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, यह उसका मूल रूप है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता श्री आजम खान साहब को लेकर, क्योंकि वो आज काफ़ी स्थिति से गंभीर हैं और कई बार हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, फिर भी समाजवादी पार्टी उनके तरफ बिल्कुल नहीं सोच पा रही है, क्योंकि आजम खान साहब एक मुसलमानों के मसीहा हैं और कद्दावर नेता हैं, जिनके आजम खान साहब के नाम पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार सरकार बनाई। तो आज की डेट में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, जिनके नाम पर आपने सरकार बनाई है, आज उनको रिहा कराने के लिए उनको पूरे प्रयास करने चाहिए। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मुसलमान जितने भी समाजवादी पार्टी के अंदर नेता हैं, उन सभी से मैं अपील करूँगा, समाजवादी के बैनर तले या आप मुसलमान समाज के बैनर तले आप उनकी मांग उठाएं और आजम खान साहब को रिहा कराएं। मैं मोहम्मद नासिर हुसैन। ये आज जो कार्यक्रम डॉक्टर राशिद चौधरी के नेतृत्व में हुआ है, ये मोहम्मद आजम खान साहब को रिहाई को लेके हुआ है ये कार्यक्रम, क्योंकि मोहम्मद आजम खान एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने मुसलमान समाज को एक कलम देने का काम किया था, और इन जो विपक्षी नेता जो उनके विरोधी नेता हैं, उन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि उनको जेल में डालने का उन्होंने काम किया और मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम किया, क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम समाज दबा कुचला है, अगर पढ़ लिख जाएगा तो कुछ आगे चल के कुछ अपनी आवाज़ उठाएगा, अपने वोट की मांग करेगा, अपनी संख्या की मांग करेगा। तो उन्होंने उठा के आजम खान को झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया। अरे मैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी में, यादव आपके परिवार में कितने भ्रष्टाचारी हैं, कितने ऐसे लोग हैं इन्होंने घोटाले करे हैं, वो एक भी जेल में नहीं गया, और सिर्फ माननीय आजम खान साहब ही जेल में जाने को थे, वो भी बकरी चोरी, उल्टी सीधी किताब चोरी उसके मुकदमों में, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान थे, मुसलमान होने का कसूर था। और ये तुमने सोची समझी साजिद करिए सरकार से मिल के, क्योंकि आप बाहर कोचो अंदर कोचो, मुसलमान का वोट लेना चाहते हो और अंदर खाने बिल्कुल आरएसएस की आप नेकर पहने हुए हो, और इसीलिए आप जो है मुसलमान को दबाना चाहते हो। कुछ मुसलमान, उसने पहली बार जिंदगी में आजम खान साहब ने एक